एफिड्स इन मेज, मक्के का माहू, चेपा कीट। फसल कोई भी हो, चेपा कीट हर फसल का दुश्मन ही है। यह कीट मक्का एवं घास फूस वाली सभी फसलों में पाया जाता है। वर्तमान समय में यह लगभग हर जगह जहां मक्का की खेती की जाती है वहां आसानी से देखा जा सकता है। इसका संक्रमण उपज में कमी तो लाता ही है, साथ ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों के वाहक का कार्य भी करता है। जैसे मक्का में मक्का बौना विषाणु, जो मक्का की फसल तहस नहस कर देता है। कीट की मादा वयस्क छोटे हरे नीले रंग की होती है, जो अंडे न देकर सीधे निम्फ यानी शिशु को जन्म देती है। तो आइए जरा गौर फरमाते हैं इस कीट द्वारा होने वाले नुकसान के लक्षणों पर। हरे काले रंग के माहू कीट झुंडों में रहते हैं। इस कीट का आक्रमण फूल आते समय अधिक होता है तथा ये कोमल भागों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। रस चूसने से पत्तियां पीली होकर गिर जाती है। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों ही पौधों के कोमल भागों जैसे तने, पत्तियों, फूलों एवं नई भुट्टों से रस चूसकर उन्हें कमजोर व क्षतिग्रस्त तो करते ही है। साथ ही रस चूसते समय पत्तियों पर शहद नुमा चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ते हैं, जिस पर काली फफूंद लग जाती है। शिशु और वयस्क तरुण पौधों से रस चूसते हैं, खासकर कोमल पत्तियों से। इससे पत्तियां पीली पड़ जाती है। अधिक संक्रमण होने पर पौधे बौने रह जाते हैं। इस मधुस्राव पर काले कवच का प्रकोप हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। इतने सारे नुकसान बस एक कीट से, इसलिए इसका सही समय पर इलाज होना बहुत जरूरी है। इस हेतु इस कीट की निगरानी के लिए प्रति एकड़ 4 पीले चिपचिपे कार्ड लगाएं, उचित फसल चक्र अपनाएं, खेत से खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें और रासायनिक नियंत्रण हेतु खड़ी फसल में कीट दिखने पर इस कीट की रोकथाम के लिए थाइमिथोस्कैम 25% WG एटिला की 5 ग्राम मात्रा को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, या डाइमिथोएट 30% ईसी की 1 मिली मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, तो ही इस कीट के प्रकोप से बचा जा सकता है। मक्का फसल को चेपा कीट से सही समय पर बचाना ही समझदारी है, ताकि मक्का फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त हो सके। फसल से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए कृषि ऐप को इंस्टॉल करें और हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। कृषि ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें।